हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर दूसरा और ओवरऑल टेस्ट नंबर छठवां लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने दो तीन केमिस्ट्री की अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो चलिए देखते हैं फिर आप लोगों का कितना स्कोर आता है। आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सभी कमेंट में अपना आंसर देते जाएंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कर देंगे कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्लास के बाद एक बार शेयर कर दीजिएगा टेस्ट के लिंक को, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको टॉपिक बता दिया जाएगा आपके बैच में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लास्ट में आपको टॉपिक भी बता दिया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। चलिए आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरिक बेक्वेरेल, रोंटजेन, आइंस्टाइन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, पहला का क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। चलिए बताइएगा, सभी कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, और जो नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बताइए रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी नाभिक का, याद रखेंगे रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, बताइएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, चौथा ऑप्शन है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए बताइए तीसरे का आंसर क्या आएगा, चलिए तीसरा का देखेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह समस्थानिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या सभी में बराबर होता है, और भार क्या होता है, अलग अलग होता है, भार अलग अलग होगा, परमाणु संख्या बराबर होंगी, ये कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सभी कमेंट में आंसर देते जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपका याद हो जाए, केवल सुन लेने से याद नहीं होता, आंसर देते जाने से याद होता है। चलिए काउंट करते रहेंगे और कितना सही होता है। चौथा क्वेश्चन नोट करेंगे, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। ऑप्शन आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। इसका आंसर होगा, चौथे का आंसर होगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या क्या है, 2, 3, 4, 5। चलिए कमेंट करके बताइएगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन। ठीक है, बताइएगा, चलिए छठवें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। देखिए मीथेन क्या है, रंगहीन गंधहीन गैस है, मीथेन में एकल सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, ये आयनिक बंध नहीं बनाते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है,
बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन कड़ू, मीथेन, कैल्शियम क्लोराइड। बताइएगा किसमें विद्युत संयोजक बंद है, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड। याद रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड में विद्युत संयोजन बंद होता है, विद्युत संयोजक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है वियोग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है बताइएगा, परमाणु के कोड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के पहली कक्षा के परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आएगा आंसर, कमेंट कीजिए। सभी लाइक कर देंगे एक बार जितने लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। याद रखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और अवकरण में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं, पहले ऑक्सीकरण होता है फिर अवकरण होता है, पहले अवकरण होता है फिर ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए बताइएगा 10वें का क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक भी लास्ट में बता दूंगा, लास्ट तक बने रहिए, टेस्ट लेते रहिए। चलिए 10वां का होगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ होते हैं। याद रखेंगे किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऑप्शन एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। भस्मों का स्वाद होता है खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। चलिए कमेंट करके बताइए 11वां का आंसर क्या होगा। भस्मों का स्वाद होता है ऑप्शन नंबर ए, खारा। याद रखेंगे भस्मों का स्वाद होता है खारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है बताइएगा, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, H+, H-, OH-, OH+। चलिए जल्दी से बताइएगा आप सभी, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, OH- आयन होता है। याद रखेंगे भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH- आयन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। सभी लवण होते हैं बताइएगा, वैद्युत अनअपघट्य पहला है, फिर वैद्युत अपघट्य है, फिर स्थाई अपघट्य है, फिर उदासीन है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा सभी लवण। 13वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। सभी लवण क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण क्या है। पहला है वाष्पन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है विसरण, चौथा है ऊध्वपातन। ठीक है, चलिए बताइए किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है खुशबू। ऑप्शन नंबर सी, विसरण। याद रखेंगे विसरण के कारण किसी कमरे के कोने में इत्र रख देने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां आज का हमारा। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुलमिल जाने का स्वभाव या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गैसों का वाष्पन,
गैसों का द्रवीकरण, गैसों का विसरण, गैसों का वाष्पीकरण। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15वां का क्वेश्चन नंबर। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों के विसरण के कारण। ठीक है, याद रखेंगे गैसों का विसरण के कारण। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं आज का। एक गैस का वाष्पन 14 है और उसका रूभार कितना होगा बताइएगा, 14, 21, 28, 42। चलिए बताइए, वो वाष्प घनत्व दिया हुआ है 14, तो अरुभार बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे। तो देखिए वाष्प घनत्व इंटू 2 कर देने से ये बनता है अरुभार। ठीक है, अरुभार तो याद रखेंगे, अरुभार बराबर क्या होता है, वाष्प घनत्व इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 14 है तो इंटू 2 करेंगे तो 28। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला बनते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है बताइए, जाइमस, इवेंटस, माल्टेस, डाइस्टेट। चलिए बताइए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइमस। ठीक है, याद रखेंगे जाइमस। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण क्या है बताइएगा। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण क्या है। मैग्नीज डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है बताइए क्या होगा 18वां क्वेश्चन, कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19, आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है बताइएगा, लोहे का चूर्ण, प्लेटिनियम का चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकल धातु। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनियम का चूर्ण। याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्लेटिनियम के चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का हमारा 19 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं चैनल को, और जो नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, इसके बाद आपको सभी लोग बता दीजिए कितना सही हुआ। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एलुमिना, क्यूप्रस क्लोराइड, लोहे का चूर्ण, बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए क्लोरीन गैस बनाने डीकन विधि में। चलिए विश्व का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूप्रिक क्लोराइड। याद रखेंगे क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है, सभी कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ, और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट का टाइम टेबल देख लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट आपका परसों होगा, आपको 2 दिन टाइम दे रहे हैं, आज पढ़िए, कल पढ़िए और परसों पढ़िए, 3 दिन मिल जाएगा आपका टाइम। परसों आपका होगा सीजी हिस्ट्री का, याद रखेंगे सीजी हिस्ट्री का। ठीक है, सीजी हिस्ट्री का टेस्ट होगा परसों। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा सीजी हिस्ट्री का, 3 दिन, एक दिन प्राचीन कर लीजिए, एक दिन मध्यकाल कर लीजिए, एक दिन आधुनिक कर लीजिए। तीनों का टेस्ट सीरीज आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सी सेट का जो एनालिसिस वीडियो लाया था उसको नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, उसमें महत्वपूर्ण सूचना भी है, फिर आगे सी सेट की तैयारी कैसे करवाई जाएगी उसके बारे में बताया भी गया है। तो एक बार आप लोग चैनल में जाकर सी सेट का एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका सी सेट, देखिए सी सेट करना तो बहुत जरूरी है, जब तक सी सेट आपका क्लियर नहीं होगा ये सब पढ़ने का मतलब ही नहीं हो पाएगा। तो सी सेट की तैयारी आप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। ठीक है, चलिए फिर लाइक कर दीजिए एक बार, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सी सेट का वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। धन्यवाद।